ये 2 किलो मटन है, 2 किलो के लगभग ही प्याज है, ये 2 दही के पैकेट है, 2 किलो प्याज है, डाल देना। तो सबसे पहले मटन में प्याज डाला जा रहा है। देखिए गरम मसाला हो गया, मटन मसाला हो गया, धनिया, हरी मिर्च, नमक वगैरह और कुछ खड़े मसाले जैसे जावित्री हो गई, बड़ी इलायची हो गई, तेज पत्ता और सूखी मिर्च। तेल गरम हो गया, इसको फाड़ लेंगे अपने। अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल, और ये देखिए हमारा ये मटन का मसाला रहते हैं, ये मैंने 1-1 किलो के पैकेट में इनको बना रखा है। इससे क्या होता है कि अगर मान लो किसी दिन मैं बिजी भी रहूं, मैं नहीं आ पाया, तब भी मेरा स्वाद कभी ऊपर नीचे नहीं रहता है, मेरा स्वाद बिल्कुल फिक्स रहता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम हैं स्पाइसी टेस्टी रेस्टोरेंट, तो आज हम आपको आहुना मटन की फुल मेकिंग करके दिखाएंगे किस प्रकार आहुना मटन मिट्टी की हांडी में तैयार किया जाता है। तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम पेज जो कि है इंडियन जायका एक्सप्लोर उसको फॉलो करना ना भूले। तो चलो फिर हम मेकिंग स्टार्ट करते हैं। ये गाइस ये आ चुका है, जो पका हुआ तेल होता है ना वो, बहुत बढ़िया भाई। अभी तक ये थोड़े ये तेल गर्म हो गया है, इसको फाड़ लेंगे अपने। अपने बना रहे हैं अहुना मटन, अब इसके 2 किलो का मटन लगा रहे हैं अपने। ये 2 किलो मटन है, 2 किलो के लगभग ही प्याज है, ये 2 दही के पैकेट है, देखिए 2 किलो प्याज है, डाल देना। तो सबसे पहले मटन में प्याज डाला जा रहा है। हाँ जी, मतलब जितना मटन उतनी प्याज, उतनी ही प्याज। ओके, क्योंकि पानी का यूज होता नहीं है तो, और ये लहसुन है 8, तो मटन जो टेंडर होगा उससे और प्याज से वो ग्रेवी सेट हो गई इसकी। ठीक है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। देखिए गरम मसाला हो गया, मटन मसाला हो गया, धनिया, हरी मिर्च, नमक वगैरह और कुछ खड़े मसाले जैसे जावित्री हो गई, बड़ी इलायची हो गई, तेज पत्ता और सूखी मिर्च। हाँ जी, तो ये कितना दही है सर? ये लगभग सर 50-60 ग्राम का एक पैकेट आता है। अच्छा, मतलब 1 किलो में 50-60 ग्राम। हाँ, 2 किलो बनाते हैं ना अपन। हाँ, अब इसके अंदर हम डालेंगे तेल। मटकों के अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। ये इसमें तेल क्यों डालते हैं सर? ताकि सर लगे नहीं नीचे। अच्छा अच्छा, तो भाई ये सारे मसाले इन्होंने एक साथ मिला दिए हैं इसमें, और अब इसको ढंग से मिलाया जा रहा है, मतलब इसको जो मैरिनेशन प्रोसेस रहता है ना वो किया जा रहा है, जिससे सारे मसाले एक एक मटन में लग जाए और प्रॉपर ढंग से फ्लेवर आए। इसको सब छोड़ते भी हैं थोड़ी देर, या फिर अपने आप ही हो जाता है? नहीं नहीं, अब नहीं छोड़ते, हम डायरेक्ट मटके में लगाएंगे और फिर आँच को काट देंगे। एक हांडी में सर कितना आता है? मैं 1 किलो के लगभग की एक हांडी लगाता हूँ। अच्छा, वैसे 2 किलो की हांडी है ना? हाँ, ये 2 किलो की है। हाँ सर, अभी हम कोयले की आंच पे रख लेते हैं इन हांडियों को। भाई कोयला एकदम सेट हो चुका है, देख सकते हो आप। आप ऑर्डर के हिसाब से बनाते हो? ऑर्डर के हिसाब से बनाते हैं। अब ये लगभग आप मान के चलिए 1 से 1.5 घंटा
ये चलेगा इस आंच पे। उसके बाद में एक दो कोयलों के साइड में इसको साइड में दम पे रख दिया जाता है। अच्छा अच्छा, फिर आधा लाइट कोयलों में। हाँ बिल्कुल, तो आधा पौना घंटा तक ये दम पे रहता है, तो अंदर तक बिल्कुल पीस बढ़िया पक जाते हैं इसके। बहुत बढ़िया सर, तो क्या बात है। तो भाइयों हांडी पे हांडी लगी जा रही है और आपको मजा आ जाए। जी सर, क्या चल रहा है? बस सर, अब मैं देख रहा हूँ ये आज ये अपने ओपन करके एक बार देखते हैं। हाँ जी, कैसा मटन के क्या हाल है बताओ। ये देखिए बढ़िया ग्रेवी सेट हो गई है। तो ये थोड़ा सा लटपट में रहता होगा ना सर? हाँ अभी बाकी है ना, अभी पानी छोड़िए। हाँ, प्याज टाइम है। ये देखो भाई, कस्टमर का रहता है कि आओ और ले लो, तो वो वाला चीज़ मैं नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ्रेश दूँ। क्योंकि अधिकतर रेस्टोरेंट में क्या होता है, बॉईल करके सब रखते हैं, 20-20 किलो माल लगा लेते हैं और नहीं निकलता तो फ्रिज में रख के दूसरे दिन चलाते हैं। हाँ जी, हाँ मैं जी। वो काम नहीं करता हूँ। आपका वो काम? मेरा वो काम नहीं है। मेरा काम है कि सिर्फ मैं, अगर आज आपने ऑर्डर दिया, मैं आपका 1 किलो मटन, तो आपका 1 किलो मटन लगाऊंगा और आपको वह दूंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फ्रेश ही देता हूँ सर। क्या होता है, आप पहले नॉन वेज खा रहे हो? हाँ जी। ठीक है, अगर अच्छी चीज नहीं दोगे तो सुपाच्य नहीं होगा। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप नॉन वेज भी खाएं तो वो सुपाच्य हो आपके। तो सर क्या भाव रहता है ये? 1400 रुपये किलो में मटन देता हूँ, और जिसमें 1 किलो रो ही होता है, ग्रेवी वगैरह सब एक्स्ट्रा होती है। तो मतलब टोटल बैठ के 1.25 किलो 1.5 किलो 2 किलो के लगभग हो जाता है। 2 किलो जाता है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है। और चिकन का क्या रेट रहता है? चिकन 700 रुपये किलो। 700 रुपये रहता है? हाँ जी। तो अगर जैसे किसी को ऑर्डर करना हो तो कोई नंबर वगैरह कुछ है? बिल्कुल, मेरे नंबर पे है 9414000397। इस नंबर पे फोन करें आप 2 घंटे पहले, और लास्ट ऑर्डर मैं 7 बजे तक लेता हूँ, उसके बाद मैं ऑर्डर नहीं लेता हूँ। हो गया सेट? हाँ सर, बस कम्प्लीट है। दिखाओ, हटाइए। अच्छा, और मैं आपके लिए लगवाता हूँ। बिल्कुल, आप टेस्ट करके बताइएगा कैसा लगा।